अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं आपको फ़नी वे में बताऊँगी, जब हम साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर किस तरीके की सोचें आना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत से साइकोलॉजी स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अगले लोगों तक पहुँचाएँ और उनको हंसाएँ, ठीक हो गया? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मेरे हाथ इतने ड्राई क्यों हो रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने ड्राई क्यों हो रहे हैं? कहीं मुझे एजिंग तो नहीं हो जाएगी जल्द अज़ जल्द? कहीं मुझे एजिंग तो जल्द से स्टार्ट नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं सोचो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान बिलीव करता है ना तो वैसे ही होता है। नहीं नहीं मुझे कोई एजिंग नहीं होगी। हाथ साफ कर लेती हूँ, बहुत गंदे हो रहे हैं। सलाह, ये जो मैं बार बार हाथ साफ करती रहती हूँ, हर वक्त हाथ साफ़ करती रहती हूँ, कहीं मुझे OCD तो नहीं है? नहीं 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 अनकॉन्शियस, ये जो मैं पढ़ी अनकॉन्शियस, इसका मतलब है कि मेमोरीज चाइल्डहुड की जो होती हैं वो रिप्रेस हो जाती हैं हमारे अनकॉन्शियस में। मतलब अगर कोई अब्यूज़ होता है तो, या किसी पे कोई गुस्सा करता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स पे अगर हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी ने गुस्सा किया था, तो इसका मतलब है कि वो उनके अनकॉन्शियस में रिप्रेस हो गई है, तो इसलिए वो हम पर गुस्सा करते थे। और इसका मतलब ये भी है, ये जो हम गुस्सा करते हैं ये इस वजह से है क्योंकि हमारे माँ बाप हम पे गुस्सा करते थे, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में चीज़ मौजूद है। ओके, इसका मतलब है कि ये जो हम लोग गुस्सा करते हैं ये हमारे माँ बाप की वजह से है। यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। यार नहीं, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते तो आपको डिप्रेशन और एन्जाइटी होना शुरू हो जाती है। कहीं मुझे ना हो जाए। नहीं यार, सबको माफ़ किया, सबको माफ़ किया।